अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि केबल की तार का इस्तेमाल कैसे करते हैं और केबल की तार किन किन नंबर्स की होती है, इनकी कीमत क्या होती है और किस चीज़ को किस नंबर की तार बेस्ट रहती है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि केबल की तार का इस्तेमाल पाकिस्तान में इतना ज़्यादा क्यों किया जाता है। तो फ्रेंड्स, केबल की तार का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है कि केबल की तार को हम डिश पर लगाते हैं, केबल टीवी केबल पर लगाया जाता है, उसके अलावा केबल वाले मेन पे इसको यूज़ करते हैं। तो केबल की तार का यूज़ पाकिस्तान में बहुत ही ज़्यादा है। तो केबल की तार का नंबर्स के साथ क्या ताल्लुक़ है, सबसे पहले इस बात को मैं क्लियर कर दूं कि केबल की तार के नंबर्स होते हैं। केबल की तार तीन किस्म की पाकिस्तान में आम तौर पर जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है रेगुलर, वो तीन किस्म की केबल होती है। पहले नंबर पर बात कर लें तो केबल की तार का पहला जौन सा नंबर है जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है, वो होती है RG6 की तार, जिसे हम 6 नंबर तार भी बोलते हैं। तो ये मार्केट में आपको बआसानी 10 रुपये गज़ किसी भी इलेक्ट्रिक शॉप से मिल जाएगी। तो केबल की तार 10 रुपये गज़ वाली का इस्तेमाल ज़्यादा डिश पर होता है और आम टीवी जो 14 इंच का हो गया, 21 इंच का हो गया, 25 इंच का हो गया, टीवी के ऊपर इसका इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता है। तो इससे बात कर लेते हैं दूसरे नंबर वाली तार। तो दूसरे नंबर पर केबल की तार RG7 का इस्तेमाल किया जाता है, जिसे हम 7 नंबर तार भी बोलते हैं। तो RG7 तार की कीमत 15 रुपये गज़ है, अच्छे वाली तार की मैं बात कर रहा हूँ। तो इसका इस्तेमाल ज़्यादा तौर पर बड़ी LCDओं पर किया जाता है। LCD पर यह नहीं है कि 6 नंबर तार नहीं चलती, लेकिन ये 7 नंबर तार लगाने का मकसद ये होता है कि इससे LCD का रिज़ल्ट अच्छा आ जाता है और रिज़ल्ट के ऊपर बबलिंग LCD की स्क्रीन नहीं करती, तो रिज़ल्ट इसका बहुत ही क्लियर आ जाता है 7 नंबर तार पर। तो ये मार्केट में आपको 15 रुपये गज़ किसी भी इलेक्ट्रिक शॉप से बआसानी मिल जाएगी। तो अब तीसरे नंबर वाली केबल की बात कर लें तो उसका नाम होता है 11 की तार, जिसे हम 11 नंबर तार बोलते हैं। तो केबल की 11 नंबर जौन सी तार होती है, वो मार्केट में आपको 22 से 25 रुपए गज़ बआसानी किसी भी इलेक्ट्रिक शॉप से मिल जाएगी, लेकिन आम तौर पर घरों पर इस केबल का इस्तेमाल नहीं किया जाता। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि अगर आपने केबल की तार लगानी है तो आप 6 नंबर और 7 नंबर का इस्तेमाल किया करें। तो 6 नंबर तार 10 रुपये गज़ है और 7 नंबर तार 15 रुपये गज़ मिलती है। तो अब बात कर लेंगे केबल की तार देखने में कैसी होती है। तो फ्रेंड्स, ये देखें, ये टीवी केबल की तार है जो कि मेरे कैमरे में आप देख रहे हैं। ये सबसे पहले इसके ऊपर PVC ब्लैक कलर का चढ़ा होता है, तो ये PVC को किसी भी नाइफ के साथ काटें तो अंदर से जाली निकलती है। तो उस जाली को हम पीछे कर देते हैं, उसके नीचे एक पेपर मेटैलिक कलर का चमक वाला पेपर लगा होता है, उसको भी काट दिया जाता है और इसके नीचे ये आप देख रहे हैं ये वाइट कलर का फोम लगा होता है। तो फोम को काटने के बाद नीचे से एक ही तार निकलती है। तो ये भी बात आप हमेशा याद रखें कि केबल की तार ना कॉपर में आती है ना सिल्वर में आती है, पाकिस्तान में केबल की तार सिर्फ़ और सिर्फ लोहे वाली, लोहे के मटेरियल की बनी ही आती है। किसी भी आप इलेक्ट्रिक शॉप से खरीद लें, जहाँ से मर्जी आप अच्छे ब्रांड वाली तार भी खरीदेंगे तो वो लोहे की बनी ही आएगी। तो अब बात कर लेते हैं कि विक्ट्री की तार पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा बेस्ट होती है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अस्सलाम वालेकुम।